और एक ही बेर में खोले कबू ना हो, काऊ की कबू बंद हो गई, काऊ की कबू हो गई। उस दिन यही हुआ, एक ही बार में पूरा समाज का नेत्र बंद हुआ और एक ही बार में खोला। लेकिन जितना समय आंख बंद करने में लगा, सबके पलक बंद भए और दोबारा खुले, तब तक भाव के दम के उदामी निज में घन ले मंडलाकार धनुष हुआ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काव नहीं लखा देखे। अच्छा अच्छा देखियो रहो दिखाओ हत नहीं, ये है भगवान श्री राम की माया। आज बहुत लोग कह देते हैं कि राम एक महान पुरुष थे, वो भगवान नहीं थे, सुना होगा तुम। लेकिन उनसे एक बात पूछना कि राम अगर भगवान नहीं थे श्रीमान चंद्रपाल सिंह दिवाकर जी, उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है और 100-100 रुपए सभी बजाने वाले लड़कों के लिए है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। अब सभी माताएं बहनें बेटियां श्रोता बंधु इस बात को ध्यान से सुनना कि अगर तुम्हारे सामने भी कोई आए और ये कह दे कि राम भगवान नहीं थे, वो तो एक महान पुरुष थे, तो उनसे ये पूछना कि श्रीलंका की दूरी 400 कोस है। कितनी है? 400 कोस। और 400 कोस लंबा पुल केवल 5 दिन में बना था, 5 दिन में। और आज तुम विश्व के पूरे विश्व के इंजीनियर लगा देना, 5 साल में ही बना के दिखा देना। 400 कोस लंबा, ये है राम। दूसरी बात, 10,000 1,500 जितने भी लोग बैठा देना, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही संग नेत्र बंद हो और एक ही संग खुले। ये थी राम की माया। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, एक बार पलक बंद हुआ था केवल और दूसरी बार आप खोल पाए तो तक धनुष के दो टुकड़ा डरे दिखाई दिए। ये है भगवान, धनुष टूट गया। लेकिन ध्यान रखना, उस समय जनक महाराज के हुक्म से सीता जी को बुलाया गया, सीता जी को बुलाया गया कि बरमाला पहना दो। तो देखो जिन जिन के यहां रामायण है वो देखना खोल के। और मैंने कई बार बताया, 24 साल थे, कहत कहत दांतों भी सिके होंगे हमारे तो। सही बताओ क्या रुपए आते हैं? रामचरितमानस ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की, 400 रुपए की आई। और जेऊ माल में चूंकि मैं आज इतना आते जब मई गांव में काऊ काऊ के घर में, तो एक दिना को पौआ ना होंगे 500 रुपए। लेकिन रामचरितमानस को मगाकर पूजा की अलमारी में रख देना और गंगा मैया के नाम का रोजाना शाम को दीपक जला देना, ता घर में चुरैलिया खैया तो नाक कान काट देना, पजा कोई करवे तैयार नहीं। रामचरितमानस मंगा के देखो, मंगा के देखो। और सभी माता बहने बेटियां सुने, चलो जे घर भाई ना मानते न रहने, ज्यादा नहीं तो रोजाना 5 दोहा पढ़ दो, उतना भी समय नहीं है तो हर पूर्णमासी को पढ़ दो। अगर वो समय भी नहीं मिलता तो माह के महीना में, जो माह का महीना आ रहा है आगे, इसकी जो पूर्णमासी आती है उसको सुंदर कांड अपने घर में पढ़ देना, पढ़ देना।
ध्यान रखना, आज ये पर्व जो दुनिया में मनाया जा रहा है अभी थोड़ी देर पहले क्या बात आई थी, अगर विश्वास है हृदय में तो भगवान उसमें बास करता है, पर तुम्हारे दिल में विश्वास तो होए। हेलो, और ये 100 रुपए श्रीमान अशोक ठाकुर साहब उनकी तरफ से हैं। ध्यान रखना, जिस समय सीता जी बरमाला लाई है, सभी माताएं बहने बेटियां सुने ध्यान से, अगर भीतर पढ़ के ना देख पाओ तो तुम विषय सूची में देखना, बरमाला लिखी है, जयमाला नहीं लिखी है, रामायण की पुस्तक देखना, बरमाला लिखी है। और आज गांव गांव में शहर में स्टेज बना दी, यहाँ का हो गया जयमाला पड़े, कहीं रामायण में जयमाला शब्द लिखा है, बरमाला लिखी है। लेकिन एक प्रकरण और देखना, तुम कथाएं होती क्यों हैं, कथा क्यों सुनाई जाती है, जो गलत रीतियां उनको हटा दो, गलत रीतियां उन्हें हटा दो। आशीर्वाद देखा है तुमने, राम के विवाह की तस्वीर लाना, दीपावली पे आएगी, और किसी के घर में टंगी हो वो देखना कि भगवान राम और सीता कहां खड़े हैं। और आशीर्वाद देने वाले जनक जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सतानंद जी कहां खड़े, बिल्कुल चेहरा के आमने सामने। तो आशीर्वाद जो दिया जाता है वो चेहरा के सामने से दिया जाता है, क्योंकि आशीर्वाद की जो किरण निकलती है वो हथेली से निकलती है। अबे आशीर्वाद कहां दे दो जा रहा हूं, लड़की पक्ष पहले खड़े है गए पीछे पीछे दे दो बहन जी, वो पीछे ही रहे। वो आशीर्वाद हमेशा चेहरा के सामने से दिया जाता है। तो जिस समय आज बरमाला लेकर के आई थी, तो भगवान श्री राम मडराक मंडल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी हैं राधे श्याम जी, उनकी तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार है, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो ध्यान रखना, राम जहां खड़े थे और सीता जी सामने, जो मुकुट बंध रहा था उसमें माला पार नहीं हुई, सीता जी ने आंख का इशारा किया लक्ष्मण जी को, ये कथा तुमने सुनी होगी, लेकिन लक्ष्मण जी ने इशारा किया सीता मैया को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आंख का इशारा काम तभी करता है तब दोनों तरफ चतुर हो, इशारो करवैया और समझ भैया, वो का उतरे थे भाव भैंसा बदिया को हर है तो मामलो बिगड़ जावे। तो ध्यान रखना, सीता जी बेबस हुई थी तब लक्ष्मण को इशारा किया था, तो लक्ष्मण जी से ये कहा था कि तुम शेष अवतार हो और ये पृथ्वी शेष के फन पे है, तो तुम इस पृथ्वी को नेको उठा दो तो मैं माला पहना दूंगा। लक्ष्मण जी ने कि मैया काम तो नहीं बने हो कि मैं पृथ्वी को उठा दूं, तो जितनी ऊंचाई तुम्हारी बढ़ जाएगी उतनी भैया राम की बढ़ जाएगी, ऐसे माला नहीं पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी ने झुक के अपने भैया राम के पैर पकड़े, जब पैर पकड़े उसी से राम नीचे झुके हैं अपने भैया को उठाने के लिए, और जब भैया को उठा रहे थे लक्ष्मण को उसी समय लक्ष्मण ने आंख का इशारा दे दिया, सीता मैया जात बढ़िया मुंह को नहीं मिले, बस इतना ही समझ के कह पाए थे। और तब तक सीता जी उसे सारे को समझ गई थी और तुरंत एक कदम आगे धर के भगवान श्री राम के गले में माला पहना दी, बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो इशारो ऐसा होना चाहिए, चतुराई इसमें। अच्छा कसू तो इशारो ऐसा समझ जाते हैं कि जब भगवान सिंह भूपा गए एक दिन ट्वामई ससुरार, ज्यादा दिना में गए रूठ गए, सुबह हमारी दादी उनने पूरी बनाई ने कने कसी ये लला आए बहुत दिना में, सो इनने कहा करो तो छोटी पूरी उठाई और सब जी बोरी कही खाई।
तो पहले ऐसा होता था कि मायके में लड़की पति के सामने नहीं आती थी। अब ऐ तक रहो है जा देना 20 साल भए तब तक जो परंपरा आती कि लड़की मायके में पति के सामने नहीं आती थी बाप मेहताई के सामने, बोलो आती कि नहीं? धुआं तो अब सुलगो है तो कचमत पूछो बाप मेहताई भैया बहन सरेज सारो जीजा सब एक का कहते हैं भेजते हैं डाइनिंग टेबल सब इकट्ठे ही खा रहे हैं। ये भारत की संस्कृति का विनाश है। चला दो तो ये बंद करवा दो ना। ध्यान रखना तो जीवन में आज जब सीता मैया ने माला पहना दी थी इधर परशुराम जी उन्हें पता चला था महेंद्रगिर पर्वत पर तपस्या करते थे और जिस समय परशुराम जी के कान में आवाज पहुंची कि मेरे गुरु जी का धनुष टूट गया है। श्रोता बंधु परशुराम जी आए किस तरह से? चार कला से अवतार थे परशुराम जी, चार कला से अवतार थे। कैसे? स्वरूप श्रीमान रोशनलाल कश्यप उनकी तरफ से धन्यवाद। के परशुराम को देख लो अरे उठ उठ के शीश नवाते उठ उठ के शीश नवाते पहले नाम पिता का है पीछे अपना बतलाते हमारे मडराक मंडल से जो अध्यक्ष जी आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे भगवान श्री राम के लिए और हमारे समाज में सुनने वाले श्रोता हैं उनके लिए दो शब्द कह दें। मेरा उनसे आग्रह है कि आज ये पर्व क्यों मनाया जा रहा है उसके बारे में और हमारे समाज के बारे में।